नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हम आपको बताते चले कि मऊ जिले के अंतर्गत मोहम्मदाबाद गोहना में श्री राम जानकी मंदिर गोड़वाल टोला में श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया गया। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी श्री रामचरित मानस एवं संध्या के समय भजन कीर्तन भंडारे का भी आयोजन किया गया। लोगों का कहना है कि बहुत साल पुराने शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा 1 जनवरी को हुआ था, इसी उपलक्ष्य में हम लोग सुंदरकांड का पाठ वह श्री रामचरित मानस पाठ कराते हैं। और वहीं जब मीडिया से बात हुई तो मंदिर के पुजारी पंडित दिवाकर चौबे ने कहा कि हमारा ये 9 वर्ष नहीं है, ये तो ईसाइयों का त्यौहार है। और उन्होंने ये भी कहा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपना ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं है। साथ में उत्कर्ष चतुर्वेदी, विपुल चतुर्वेदी, मोनू दुबे, राहुल आशुतोष दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता अमित तिवारी की रिपोर्ट। गुरुजी अपना परिचय बताइएगा। पंडित दिवाकर चतुर्वेदी जी, राम जानकी मंदिर जी, मोहम्मदाबाद गोहना जी। कल श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया गया था, किस उपलक्ष्य में किया गया था? ये सामने शिव जी का मंदिर है जी, मंदिर का वर्धापन संस्कार के निमित्त जो है किया जाता है हर साल की भांति जी। मंदिर का एक तरह से 1 तारीख को शिव की स्थापना हुई थी जी। शिवमय संसार है जी, इसलिए हर साल मंदिर के वर्धापन के उपलक्ष्य में राम जी मानस की पाठ। कब किया गया था ये? सन 1978 में स्थापना हुई थी जी, और तब से कार्यक्रम अनवरत हर साल चलता रहता है। कहाँ पर हो रहा है ये? राम जानकी मंदिर के प्रांगण में ही शिव मंदिर है, और उसी शिव मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। किस जगह? मोहम्मदाबाद मोहम्मदाबाद में, गोलवा टोला मोहम्मदाबाद। आज भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया है जी। आज भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है जी, और अच्छे कलाकारों के द्वारा भगवत रसिक जनों को भगवत रस भजन का पान कराया जा रहा है। और रामचरित मानस की पाठ कल ही आज समाप्त हुई है, इसके उपरांत हवन पूजन हुआ है। हवन पूजन के बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? नया साल तो कोई हमारा है नहीं जी, ये तो आंग्ल के अनुसार नया वर्ष है, ईसाइयों का नया वर्ष है जी। हम नया वर्ष के उपलक्ष्य में नहीं मनाते जी। हम इसको इसलिए मनाते हैं कि हमारे मंदिर की स्थापना दिवस है जी। नए साल का कोई तात्पर्य इस कार्यक्रम से नहीं है जी। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखा, ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये कोई रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये 9 वर्ष जो है सनातन धर्मियों के लिए, सनातनवलंबियों के लिए नहीं है जी। हमारा 9 वर्ष तब होता है जब नए बसंत ऋतु का आगमन होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा 9 वर्ष आरंभ होता है। हम 9 वर्ष उस समय में मनाते हैं जी।
उच्चारण इससे बच्चों में जाएगा और दूसरे हुए कलाकार का हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो करेगा। आप इन लोगों के विश्वास में भारत मैं बोला कि नहीं बंजू में करके आप आइए यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।